गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसी सीरीज़ में हमने पहले फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट थ्री पोएम्स की हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट लेसन जिसका नेम है द लास्ट लेसन। द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ द नेम ऑफ आर फर्स्ट लेसन इज़ द लास्ट लेसन। तो इसके ऑथर हैं अल्फोंस डॉट, ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल एट द एज ऑफ 14। ही वॉज अ पैट्रियोटिक मैन। ही वॉज वेरी मच पेंट एट द फ्रांस पर्शियन वॉर। तो स्टोरी जो है इसकी बैकग्राउंड है कि जो फ्रांस और पर्शिया में वॉर हुई 1870-71 की बात है, तो पर्शिया जो कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स को इंक्लूड करके एक बड़ा नेशन था, दैट वाज पावरफुल, और उसकी वजह से फ्रांस जो है वो उस वॉर में डिफीट हो गया। और एज अ रिजल्ट टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, दैट इज एल्सेस एंड लॉरेन, पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ जर्मनी। और क्योंकि वो जर्मनी के अंडर आ गए थे, इसलिए जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड इन दोज एरियाज, और फ्रेंच भाषा पर बैन लगा दिया गया था। द स्टोरी सेंटर्स अराउंड अ टीचर हुज नेम इज मिस्टर एम हेमल। ही हैज़ गिवन हिज सर्विसेज इन द सेम प्लेस फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। ही वॉज अ वेरी डेडिकेटेड एंड फेथफुल टीचर। ही वॉज वेरी पैट्रियाटिक टीचर। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द स्टोरी इज फ्रांस, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, हु इज द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर एम हेमल, हु इज समवट वीक एट स्टडीज। ही हैज द सेम फीलिंग फॉर द स्कूल एंड द टीचर एज द अदर स्टूडेंट्स हैव। तो वेन द स्टोरी बिगिंस, he is going to school, whatever he sees on his way to school, what he feels about the studies, how his behavior towards his teacher, towards his study changes, that we'll know in this story. Let us start the story. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Himmel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them. जैसा कि मैंने बताया है कि फ्रांस जो है वो इस स्टोरी का नरेटर है, तो I stands for फ्रांस। तो फ्रांस ये कहानी बता रहा है कि उस दिन जब स्कूल स्टार्ट, द लास्ट लेसन के बारे में, कि उस दिन मैं स्कूल के लिए लेट हो गया and was in a great dread. Dread means fear, डर। Scolding means डांट। डांट का मुझे बहुत डर था, specially because M. Himmel had said that he would question us on participles. क्योंकि M. Himmel ने कुछ ग्रामर का टॉपिक पार्टिसिपल लर्न करने को दिए हुए थे, होमवर्क में दिए हुए थे, और उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पुटअप करने थे, एंड आई डेंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे इससे रिलेटेड कुछ भी आता नहीं था, इसलिए उसे डर था। और हमें पहले ही बताया गया, ही समवट वीक एट स्टडीज। फॉर अ मोमेंट ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए वो सोचता है स्कूल जाकर क्या करना है, बाहर ही मज़े कर लेते हैं और ओपन एरियाज में दिन स्पेंड करते हैं। इट वॉज सो वॉर्म, सो ब्राइट। दिन जो था बहुत ही वार्म था, बहुत ही ब्राइट था, चमकदार दिन था। द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। पक्षी चहचहा रहे थे एट द एज ऑफ द वुड्स, मतलब जंगल में पेड़ों पर, पेड़ों की ब्रांचेस पर बैठे हुए पक्षी चहचहा रहे हैं। और इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल मीन्स आरा जिसे कहते हैं, यानी कि जहाँ पर लकड़ियाँ कट की जाती हैं,
तो उस 100 मील के बैक साइड ओपन फील्ड था जहाँ पर कि पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। तो फ्रेंड्स कह रहा है इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। इट वॉज ऑल मीन्स ये सब चीज़ें कि बाहर दिन स्पेंड कर लेता हूँ, डे बहुत ब्राइट है, बर्ड्स चर्पिंग कर रहे हैं, ओपन फील्ड में पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उसे ज़्यादा टेम्पटिंग लगी, ज़्यादा ललचाने वाली लगी बजाय की रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, इतनी शक्ति थी कि मैं अपनी भावनाओं पर काबू पा सकता था एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए तेज़ी से दौड़ पड़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास से क्रॉस कर रहा था तो मैंने देखा बुलेटिन बोर्ड के अराउंड आसपास बहुत क्राउड है, बहुत भीड़ लगी हुई है। बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड, जहाँ पर लोग मतलब खबरें वगैरह कुछ न्यूज़ वगैरह लिखी होती है जिसे वो गांव के लोग पढ़ते हैं। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से जो भी बुरी खबरें थी, फ्रेंड सोच रहा है कि वो हमें यहीं से मिलती थी, यहीं पर लिख दी जाती थी और हम सब यहीं से पढ़ लेते थे। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। चाहे वो हारी हुई लड़ाइयाँ हों, चाहे आगे की क्या रूपरेखा है, या फिर हमारे लिए कमांडिंग ऑफिसर्स के क्या ऑर्डर्स हैं, ये सब वहाँ बुलेटिन बोर्ड से हमें पता चलता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, क्योंकि स्कूल के लिए ऑलरेडी वो लेट है तो बिना रुके ही वो अपने मन ही मन सोचता है व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज क्या मैटर हो सकता है, क्यों यहाँ पर इतना रश है, इतनी भीड़ लगी हुई है। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटाइस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो क्योंकि वो तेज़ी से दौड़ता हुआ जा रहा था तो द ब्लैक स्मिथ वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के पास, टाउन हॉल के पास एक ब्लैक स्मिथ लोहार जिसका नाम वॉचर था, वो वहाँ पर खड़े हुए थे विद हिज अप्रेंटाइस। अप्रेंटाइस होता है हेल्पर, मतलब सहायक मैकेनिक कह सकते हैं, मतलब लोहार उसके साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, जो कि न्यूज़ पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई पीछे से, डोंट गो सो फास्ट बब, बब हियर मीन्स बॉय, कि तेज़ी से मत जाओ बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम समय पर स्कूल पहुँच जाओगे, बहुत टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मैंने सोचा शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे और बिना उनको सुने अनसुना करते हुए मैं दौड़कर एम हेमल के छोटे से गार्डन में एंटर कर गया, हाँफता हुआ क्योंकि दौड़ता हुआ आया था। एम हेमल के क्लासरूम के बाहर एक छोटा सा गार्डन था। यूजली व्हेन द स्कूल बिगैन देयर वॉज ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। यूजली जब भी स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर बहुत हसल बसल होती थी। हसल बसल मीन्स हलचल, विच कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, जो कि गली में भी बाहर सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। तो क्या क्या आवाज़ें बाहर गली में सुनाई देती थी जब स्कूल शुरू होता था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, तो बेंचेस के, डेस्क के खुलने बंद होने की आवाज़ें, जो बच्चे लेसन्स रिपीट कर रहे होते थे यूनिसन मीन्स मिलकर जोर जोर से, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कि हमारे कानों पे हाथ रखे होते थे कि कोई एक्स्ट्रा आवाज़ सुनाई ना दे, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जोर जोर से टेबल पर डंडा लगाना ताकि क्लास अटेंटिव रहे, क्लास अटेंशन में रहे। तो ये सब नॉइसेस बाहर गली तक सुनाई देते थे। बट
नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ बहुत ही स्टिल था, बहुत ही शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. तो वो कह रहा है कि मैं बहुत कन्फ्यूज था, मैं तो ये सोच के आया था कि बिना किसी को पता लगने दिए हसल बसल होगी, बहुत हलचल होगी, सब अपने आप में बिजी होंगे, तो मैं जाके अपने डेस्क पर बैठ जाऊँगा. बट ऑफ कोर्स, लेकिन उस दिन हुआ क्या, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. सब कुछ इतना क्वाइट था, इतना शांत था, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, जैसे कि कोई छुट्टी का दिन हो. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हिमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. तो खिड़की से, क्योंकि वो गार्डन में पहले एंटर किया है, तो खिड़की से वो देखता है कि उसके सारे क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे, और एम हेमल जिन्होंने कि अपनी बाजू के नीचे एक टेरिबल आयरन रूलर, एक लोहे का भयानक सा डंडा पकड़ा हुआ था, वो क्लासरूम में अप एंड डाउन, आगे पीछे ऊपर नीचे आ जा रहे थे. अप एंड डाउन हियर मीन्स, कहीं कहीं पर क्लासरूम्स ऐसे बने होते हैं जिनमें पॉडियम होता है, मीन्स सीढ़ी टाइप बनी होती हैं जगह, और उन पर बेंचेस लगे होते हैं ताकि क्लासरूम को के बच्चे जो हैं सब टीचर्स को दिखाई दे, सबको अच्छे से बोर्ड दिखाई दे. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अपनी सीट पर अंदर जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश्ड मीन शर्माना, कि मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. मैं लेट था, सब बच्चे अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे, टीचर के हाथ में डंडा है, तो इसलिए मैं बहुत डर भी रहा था. बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ. एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू. एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली, बहुत ही सॉफ्टली, प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, कि फ्रेंड्स जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठो, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. तो मैं फटाफट से कूद कर अपने बेंच पर जाकर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट and little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. तो वो कह रहा है कि अभी तो मैंने अपने डर पे थोड़ा काबू पाया ही था कि मैंने देखा कि हमारे टीचर एम हिमल ने बहुत ही फाइन संडे क्लोथ्स, बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल शर्ट, झालर वाली शर्ट पहनी हुई है, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, काले रंग की ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी हुई है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड जिस पर कढ़ाई की हुई है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. और ये सब इस टाइप के ड्रेसेस वो या तो इंस्पेक्शन डेज पर पहनते थे, या फिर कोई फंक्शन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब पहनते थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉर, इसके अलावा पूरा स्कूल ही मुझे बहुत स्ट्रेंज और सॉर्म शांत दिखाई दे रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आरसेल्स, ओल्ड होसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स. तो कह रहा है कि और सब चीज़ों से तो ऑलरेडी मैं अमेज था, सरप्राइज था, लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर गई वो क्या थी, टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो क्लासरूम के पीछे के बेंचेस हमेशा खाली रहा करते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आरसेल्स, हमारी ही तरह गाँव के ओल्ड पीपल वहाँ पर चुपचाप आकर
बैठे हुए थे। तो उनमें कौन कौन थे? ओल्ड हॉर्सर, बूढ़े हॉर्सर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, जिन्होंने एक थ्री कॉर्नर्ड तिकोनी सी हैट पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और भी कई उनके साथ बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक सैड, सब उदास लग रहे थे, सैड थे। एंड हॉर्सर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थंब्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। जो बूढ़े हॉर्सर थे वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर, मीन प्राइमरी की 3-in-1 बुक होती है, वो लेकर आए हुए थे, जिन्हें कि उन्होंने एजिस से कॉर्नर से पकड़ा हुआ था और अपनी नीज पर आगे खोला हुआ था और अपनी स्पेक्टेकल्स लगाकर चश्मा लगाया हुआ था उन्होंने और पेजिस को देख रहे थे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, एम हिमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सैड, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। तो अभी मैं ये सब सोचकर हैरान ही हो रहा था, तो एम हेमल ने अपनी चेयर ली, चेयर पर बैठ गए वो, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो ग्रेव जेंटल टोन, बहुत ही सॉफ्ट टोन उन्होंने मेरे लिए यूज़ की थी कि फ्रेंड्स जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट कर रहे थे, उसी टोन में उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन कि बच्चों दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, कि ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। दिस इज द टाइटल ऑफ आर लेसन, द लास्ट लेसन। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में अब से जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टूमोरो, नए टीचर कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही अटेंटिवली, बहुत ही ध्यान से, केयरफुली इस लेसन को सुनो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये जो एम हेमल के वर्ड्स थे कि दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, दीज वर्ड्स वर लाइक ए थंडर क्लैप टू मी। फ्रेंड्स कह रहे हैं कि ये वर्ड्स मेरे लिए जैसे बिजली गिर जाती है उस तरह लग रहे थे। ओ द रेचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि अच्छा, तो रेचेस, रेचेस मीन्स बैड पीपल, क्रूअल पीपल, दुष्ट हिंदी में जिसे कहा जाता है, कि अच्छा तो वहाँ पर उन बुरे लोगों ने, क्रूअल पीपल ने ये न्यूज़ लगा रखी थी बुलेटिन बोर्ड पर, जो कि वो लोग पढ़ रहे थे, इसीलिए टाउन हॉल के वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो जो फ्रेंड्स है बहुत ज़्यादा हैरान है, सरप्राइज्ड है और साथ साथ दुखी भी है। तो वो ये सोच रहा है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है ये, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि अभी तो मुझे अच्छे से लिखना भी नहीं सीख पाया हूँ मैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, कि यहीं पे मेरी फ्रेंच लैंग्वेज की जो स्टडी है वो ख़त्म हो जाएगी। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सैंड। क्या वो कह रहा है कि हाउ सॉरी आई वॉज, कि कितनी गलत बात है कि मैंने अपने लेसन्स पर ध्यान नहीं दिया, मैं बर्ड्स के एग्स देखने चला जाता था या फिर स्लाइडिंग करने चला जाता था बाहर। माई बुक्स दैट हैड सीम सो सच ए न्यूसेंस अ वाइल एगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। तो वो कह रहा है कि मेरी बुक्स, जो कि कुछ समय पहले मुझे न्यूसेंस मीन्स सिरदर्दी लगती थी, सो हैवी टू कैरी, मुझे उठाने में बोझ लगता था, माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो संत महात्माओं की इतिहास की बुक हमें पढ़ाई जाती थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप।
कि वो सब अब मुझे अपने पुराने फ्रेंड्स लग रहे थे जिन्हें कि मैं गिव अप छोड़ना नहीं चाहता था। मीन्स सडनली ही रियलाइज कि ये सब चीज़ें उससे अटैच हो गई हैं और ही फील्स वेरी बैड व्हेन ही लर्न दैट इट इज़ देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फोगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो अब वो एम हेमल के बारे में सोचता है कि एम हेमल ये सोचकर कि वो जा रहे हैं और मैं उन्हें फिर से कभी नहीं देख पाऊँगा, तो ये सब सोचकर मैं भूल गया कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो डंडे भी लगाते हैं और उनका नेचर बहुत स्ट्रिक्ट है, क्रैंकी है, तो ये सब चीज़ें वो भूल गया। अब उसको अपनी स्टडी से बहुत अटैचमेंट फील होने लगी।